थॉमसन जो था उन्होंने मॉडल ऑफ एटम प्रपोज किया था जिसे प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं तो इम्पोर्टेंट एम के तौर पर आप ये याद रख लें कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल जो था या थॉमसन एटॉमिक थ्योरी वो कौन सी नेम से मशहूर थी वो मशहूर थी प्लम पुडिंग मॉडल या इस तरह एमसीक्यूज आ सकते हैं कि प्लम पुडिंग मॉडल जो है वो हमारे पास किसका है तो वो थॉमसन का है तो क्या हुआ कि इन दयर एटीन नाइन्टी सेवन द ही टोटली चेंज द व्यू ऑफ एन ऐटम बाई डिस्कवरिंग एलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करके उन्होंने जो है कॉन्सेप्ट मुकम्मल चेंज कर लिया व्यू ऑफ एटम को मुकम्मल चेंज किया और किस तरह कहा कि थॉम्सन एटामिक थोरी सजेस्ट दैट द एटम इज़ नॉट इनडिविजल क्योंकि पहले हमारे पास कहता कि एटम एक इंडिविजल पार्ट है जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो उन्होंने थॉमसन ने ये कहा कि नहीं एटम हमारे पास इनडिविजल नहीं है एटम को हम देख सकते हैं एज इट वॉज ऑफ स्मॉलर पीस पीसिस इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन और उन्होंने कहा कि हमारे पास वो स्मॉलर पीसीस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बना हुआ है एटम हमारे पास इंडिविजिबल नहीं है वो डिविजिबल है मीन्स वो आप जो है उसको देख सकते हैं उसको डिवाइड कर सकते हैं किस तरह के कि वो हमारे पास दो पार्ट में मुश्तमिल होता है एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन मीन्स एटम में दो स्मॉलर पीसीस होते हैं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स तो आपके पास एमसिक्यूज इस तरह आ सकता है कि वो कौन सा था जिसने पहली दफ़ा कहा था कि हमारे पास एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पेसिस पीसिस दैट इज इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन तो आपने एटॉमिक थ्योरी या ताम्सन आपने क्लिक करना होगा एन एटम कंसिस्ट ऑफ फेयर ऑफ़ पॉजिटिव चार्ज विद नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट इन्होंने क्या कहा इन्होंने कहा कि एटम जो है वो एक स्फेयर हैं प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का एक एक्सपेयर है एटम और उसके दरम्यान हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एम्बेडिड हैं द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस इन एन एटम आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ये दोनों हमारे पास मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं लिहाजा वो एक दूसरे के चार्ज को जो हैं वो न्यूट्रल करके हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है एटम ड्यू टू विच एन एटम इज़ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल और इस वजह से कि हमारे पास एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों सेम होते हैं तो लिहाजा हमारे पास एटम पे कोई चार्ज नहीं होता इट हैज़ नो ओवरऑल नेगेटिव और पॉजिटिव इस पे ओवरऑल नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता बल्कि इसका पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव के बराबर होते हैं सो तो लिहाजा इसमें हमारे पास कोई चार्ज नहीं होता ये तामसन एटॉमिक तीरी थी यहाँ पे आपको शक्ल के पिक्चर के शकल में दिखाए गए हैं कि ये हमारे पास जो हैं ताम्सन प्लम पुडिंग मॉडल हैं ये भी आप याद रख लें इन्होंने कहा है कि ये हमारे पास फेयर हैं और फेयर के में पॉजिटिव चार्जेस हैं और इसके दरमियान हमारे पास नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो इसके दरमियान एम्बेडेड हुए हैं तो ये हमारे पास प्लम पुडिंग मॉडल है हैं या तमसन मॉडल हैं इसके बाद हमारे पास रदरफोर्ड आए उन्होंने अपना मॉडल पेश किया रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी, 1911, द एटम इज कम्पोज ऑफ मोस्टली एम्प्टी स्पेस उन्होंने कहा कि एटम हमारे पास मैक्सिमम एम स्पेस से बना हुआ है एटम मैक्सिमम हमारे पास जो है वो अंदर की तरफ से एम रहता है स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस कंटेनिंग ऑलमोस्ट ऑल आल ऑफ द एटम मास क्या होता है कि इसके दरम्यान में हमारे पास स्मॉल छोटा सा एक डेंस कलर का हमारे पास पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है जो कि इसके दरमियान में होता है और एटम का ज़्यादा मास जो है वो न्यूक्लियस की वजह से होता है उन्होंने पीच मॉडल तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को पीच मॉडल कहते हैं ये अक्सर हमारे पास एमसीक्यूज़ में आता है कि रदरफोर्ड ने कौन सा मॉडल पेश किया उन्होंने पीच मॉडल जो है वो पेश किया था रदरफोर्ड ने क्या कहा उन्होंने कि पीच पिट न्यूक्लियस हमारे पास पीच का जो सीड होता है जो कि अंदर की तरफ होते हैं वो हमारे पास पिट वो न्यूक्लियस हैं एंड मीट बाकी जो हमारे पास पीच का जो बाकी हमारे पास मवाद जो होते हैं मास होते हैं वो क्या है वो, वो एम्प्टी स्पेस विथ इलेक्ट्रॉन रेंडमली आर्बिटिंग न्यूक्लियस उन्होंने कहा कि हमारे पास न्यूक्लियस दरमियान में होते हैं उसके बाद हमारे पास जो है वो विक्यूम होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो एम्बेडिड होते हैं रेंडमली आर्बिटिंग कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये हमारे पास रदरफोर्ड ने कहा तो यहाँ पे आप ये देख लें कि रदरफोर्ड में से इस मॉडल में से हमारे पास एम सी क्यूज एक तो उसका डेट आता है एम सी क्यूज दूसरा हमारे पास एम सी क्यूज़ क्या आता है कि ए मोस्ट एटम इज़ मोस्ट एम स्पेस एटम अकांद्र की तरफ से एम होते हैं तो ये हमारे पास आएगा एम से जा सकते हैं तीसरा इसमें क्यों जाते हैं कि पीच मॉडल किसने पेश किया था तो वो हमारे पास रदरफोर्ड ने पेश किया था थर्डली जो हमारे पास मॉडल आया वो कहता वो बोहर एटामिक मॉडल या बोहर मॉडल था जिसके एजम्पन हमारे पास ये हैं पहला एग्जाम्शन हमारे पास है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इन एन एटम कैन ओनली आकोपाई आर्बिट फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड दिस रिजल्ट इन डिस्क्रीट वैल्यू फॉर द रेडियस एंड एनर्जी उन्होंने क्या कह कहा कि हमारे पास एटम के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द आर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हर इलेक्ट्रॉन अपने स्पेसिफिक आर्बिट में होता है और उस आर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी वो क्वांटाइज्ड होगी वो फिक्स होगी पैकेट फॉर्म में होगी दूसरा उसका एजमशन ये था कि एन इलेक्ट्रॉन इन सच ए स्टेशनरी स्टेट इमिट नो रेडिएशन उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास जब स्टेशनरी स्टेज में होते हैं तो वो एनर्जी लॉस नहीं करता तीसरा क्या था तीसरा यह था कि इफ़ इलेक्ट्रॉन जम्प टू अ लोअर स्टेट इट इमिट अ फोटोन हुज इनर्जी इक्वल टू डिफरेंस इन इनर्जी बिटवीन दी टू स्टेट उन्होंने कहा कि जब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एक्सटर्नल शल में घूम रहा है या हाई एनर्जी लेवल उसमें जो घूम रहा है और लोअर एनर्जी लेवल मीन अंदर की तरफ अगर आता है तो वो इलेक्ट्रॉन इमिट वो इनर्जी इमिट करेगा और ये इनर्जी किसके बराबर होगी ये इनर्जी बराबर होगी उस दो शेल के डिफरेंस के बराबर यहाँ पे अगर आप हम आपको दिखा दें कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से नीचे की तरफ आता है तो क्या होते हैं कि वो हमारे पास मिसाल के तौर तो पर ये हमारे पास जो एन है एन फाइव है मिसाल के तौर तो पर और ये हमारे पास जो है एन थ्री है तो यहाँ पे हमारे पास डेल इनर्जी जो फोटान की शक्ल में वो रिलीज़ करता है वो हमारे पास होगी एन फाइव माइनस पे नहीं आ रहा। वो हमारे पास एन थ्री तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है और ये एनर्जी इक्वल होती है वो हाई और लोअर एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर फोर्थ नंबर के हैं दी एंगर मोमेंटम ऑफ एटॉमिक इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास इसके बराबर होते हैं ये अक्सर हम में आता है कि एंगुलर मोमेंटम एल इज़ इक्वल टू एन एच बाई टू पाई और ये किसने ये प्रोपोज किया था ये हमारे पास जो है बोहर ने ये मॉडल पेश किया था कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमारे पास इक्वल होता है एल इज़ इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाई टू पाई ये पे हमारे पास है। तो ये फार्मूला आप याद रख लें ले। ये फार्मूला अक्सर आता है कि प्रोपोज किया था अच्छा ये एटम मॉडल अच्छा मॉडर्न एटॉमिक मॉडल मार्डर, मॉडर्न एटम किस तरह बना हुआ है वो कहते हैं हमारे पास दोस्टली एम स्पेस एटम हमारे पास मोस्टली एम होता है इसके दो रीजन होते हैं हमारे पास कौन कौन से दो रीजन हमारे पास एटम के होते हैं ये मॉडर्न कहते हैं एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और एक हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वेयर माइट फाइंड एन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है कि वो क्लाउड वो जगह जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम होती हैं जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन नज़र आते हैं तो क्या होता है तो ये हमारे पास मॉडर्न एटॉमिक मॉडल कहता है कि दरमियान में हमारे पास न्यूक्लियस हुआ जो कि डेंस पार्ट हैं जिसमें के मॉडर्न एटॉमिक मॉडल कहते हैं हमारे पास के दरमियान में हमारे पास हैं न्यूक्लियस न्यूक्लियस में हमारे पास क्या है न्यूक्लियस में हमारे पास है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में हमारे पास है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और इर्द गिर्द हमारे पास जो हैं वो शेल हैं और शेल में हमारे पास क्या है होते हैं कि इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ इस तरह शक्ल में दिखाया गया है इस तरह ये तो ये हमारे पास सेल हैं शेल हैं इसके तो ये ये शेल इसके इर्द गिर्द हैं और शेल वो जगह हैं जहाँ पर प्रॉबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मैक्सिमम हैं या आपको दिखाया गए हैं कि दरम्यान में हमारे पास ये न्यूक्लियस हुआ तो ये हमारे पास ये जो छोटे छोटे रेड जो नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास शेल हैं शेल हैं ये वो जगह जहाँ पर प्रॉबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्मम हो तो हिस्ट्री ऑफ एटम ये हुआ कि पहले हमारे पास डिमोक्रेटिक्स थे डाल्टन ए वगैरह थे उसके बाद फिर थामसन मॉडल जिसे हमने प्लम पुडिंग मॉडल कहा उसके बाद हमारे पास रद्रफोड मॉडल जिसका पीच मॉडल था उसके बाद बोहर मॉडल बोहर के बाद आप जो हैं एटामिक मॉडल जो कहते हैं कि एटम जो है वो मैक्मम एम टी स्पेस हैं ये आप आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिखाया गया है कि एटम क्या है हमारे पास के इसका न्यूक्लियस न्यूक्लियस में क्या होते हैं न्यूक्लियस में हमारे पास जो है न्यूक्लियस में हमारे पास ये हमारे पास न्यूक्लियस हुआ न्यूक्लियस में क्या होते हैं न्यूक्लियस में हमारे पास जो हैं प्रोटॉन होते हैं प्रोटॉन की साइज़ टेन रेस टू पावर माइनस थर्टीन सेंटीमीटर ये इनके डायमीटर आपको बताए हुए हैं तो ये भी आपके पास एम में जो है डायमीटर आ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के अपने डायमीटर हैं प्रोटॉन के अपना डायमीटर एटम के डायमीटर टेन टू रेस टू पावर माइनस एट सेंटीमीटर हैं तो ये आप जो है याद कर ले तो ये आज का हमारा यूनिट हुआ एटॉमिक मॉडल इंतहाई इम्पॉर्टेंट यूनिट था इससे तकरीबन पाँच से दस पाँच से लेकर दस तक यूनिट आपके पास एम सी क्यू जो हैं वो आ सकते हैं सो लिहाजा इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं ये हमारा कंटेक्ट नंबर दिया गया हुआ है तो अगर आपको नोट्स वगैरह की ज़रूरत है तो आप हमें कंटेक्ट कर सकते हैं ओके थैंक यू